अब मुझे बताएं, अगर एक बच्चे को एक औरत ने लेके पाला हो, उस बच्चे ने तो हमेशा उसको मां की नजर से देखा है ना, उसके जेहन में कभी भी उस औरत के बारे में बुरा ख्याल नहीं आएगा, अगरचे वो गैर महरम है, लेकिन जाहिर है वो मां की नजर से ही उसको देख रहा है ना। जैसे हम अपनी फूफियों को, अपनी चले फूफी तो महरम है, अपनी मामी जो बूढ़ी है वो तो गैर महरम है ना, चची भी गैर महरम है, हम कभी नेगेटिव नजर से तो नहीं देख रहे होते। लेकिन कुरान में आया कि जिस औरत ने हज़रत यूसुफ की परवरिश की है मां की हैसियत से, वो जब बंद संवर के उनको बुराई की तरफ बुला रही है, और अल्लाह क्या कह रहा है, उसने यूसुफ का कसद किया, यूसुफ भी उसका कसद कर लेता अगर अल्लाह की निशानी ना देखता। समझ से बाहर है कि वो अपनी मां का कसद कर लेता, मां तो थी, मां की नजर देखा, यानी औरत का फितना इतना बड़ा है।